हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं अपनी साइड पे पहुंच चुका हूँ। इस साइड देख लो, साइड पे आज नंबर्स लेके जा रहे हैं जो पिलर लगे हुए हैं उनके भैया, और उनके भैया दोनों आते हैं। और मैं मस्ती कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं सुबह सुबह आ तो गया उस साइड पे, अभी कुछ पता नहीं करना क्या है। तो थोड़ी देर साइड पे रहने के बाद या फिर ये सब देखने के बाद मैं निकलने वाला हूँ खिवाड़ा। खिवाड़ा जाके देखेंगे क्या करना है आज। ओके गाइस, और ये लोग आराम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अभी मैं मंसूर भाई के शॉप पे पहुंच चुका हूँ, खिवाड़ा आ चुका हूँ। मैंने आपको मेंशन कर दिया था अपनी साइड पे मैं खिवाड़ा आने वाला हूँ। तो मैं खिवाड़ा पहुंच चुका हूँ, और सरवन भाई कुछ रिपेयर वगैरह कर रहे हैं। हमारे मनसुख भाई बोल रहे हैं, देख रहे होंगे बिजी इंसान मनसुख भाई। हाँ, तो मनसुख भाई भी कुछ काम ही कर रहे हैं, थोड़ी देर यहीं पे बैठने वाले हो, फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। वीडियो में बने रहो। सरवन भाई काम में पूरे फोकस थे यार। सरवन भाई अपने काम में पूरे पूरे फोकस थे, उनको काम करने दिया जाए, डिस्टर्ब ना दिया जाए। मनसुख भाई मूवी देख रहे हैं। वही मूवी, तिरंगा मूवी। कौन सा हिंदू का खून, कौन सा मुसलमान का खून, वो वाली। ये बड़ा आराम से मूवी देख रहे हैं। अपने कहा गए भाई, मैन हीरो। तो अपने मैन हीरो को आने तो आपको दिखाता हूँ। ऑपरेशन तिरंगा मूवी में इस वक्त तिरंगा वाला ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन का नाम ही है तिरंगा। ये लोग कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ पे जा रहे हैं यार। जल्दी से जगह पे पहुंचो भाई, क्राइम सीन कहाँ पे हो रहा है। मतलब क्राइम सीन कहाँ पे हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। अरे अरे, आगे आगे, वेट वेट, गेट आ गया। हाँ, अपने मैन, अरे यार, मतलब गेट में पहुंचने से पहले मार दिया बम। वाह भाई, अपने सर आ गए भाई, मैन सर। इमरजेंसी मतलब ठीक ठाक, जब जब कर रहे थे चुप चुप चुप। हाँ, ये क्रिमिनल्स हैं और ये इंडियन आर्मी। ये क्रिमिनल्स मतलब क्रिमिनल्स पुलिस वाली वर्दी पहन के घूम रहे हैं, आर्मी वाले तो चलो कमांडो वाले, देखते हैं। वाह, इनका नाम मेरे को नहीं पता, मेरे को डायलॉग बहुत ज्यादा पसंद है यार। सलमान खान को सुना रहे हैं, नाना पाटेकर के अलावा जो है वो, हाँ उनका नाम ही तो नहीं पता यार। तो उनके डायलॉग मस्त है ना मनसुख भैया, बहुत ज्यादा। हाँ ये सर, नाना पाटेकर सर तो डायरेक्ट बम के बम ही मार रहे हैं यार। दुश्मन की आर्मी ने सरेंडर कर चुका है, और अपने सर डायलॉग बोल रहे, बस नाम नहीं पता मेरे को इनका यार। मेंशन करो नाम, कमेंट करो। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग था। हमें मारने के बाद फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही का है यार, क्या डायलॉग था। यार मतलब विलन को देखा आपने, मतलब उसकी पूरी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, फिर भी वो डायलॉग कस रहा है। तो ये कौन आ गया भाई साहब? नमस्कार, ये मिनिस्टर लोग। पूरा सीन ही चेंज कर दिया यार। मतलब मेरे को अभी तक लग रहा था कि दुश्मन की आर्मी ने सरेंडर किया है, पर ये तो कुछ और ही हो रहा है यार। मतलब कुछ ठीक से दिखाओ यार। कई लोग शहीद होते आए हैं और कई लोग शहीद हो जाएंगे। वाओ, क्या डायलॉग था। मिनिस्टर ने इनको बोला कि, हाँ ये डायलॉग ही बोला मिनिस्टर ने, पर अपने वाले सर ने क्या बोला सुना आपने? और उनका अंजाम एक गुमनाम राष्ट्र होगा, जिसे हिताची के लोग समझ रखा जाएंगे।
नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। नोच नोच के खाने की बात कर रहे हैं यार, वायलेंस वायलेंस वाली कंप्लेंट मत करना यूट्यूब वालों को यार, मूवी है देख लो। मतलब ये लोग कोई मिसाइल छोड़ने वाले हैं जिसकी वजह से बड़ा धमाका होने वाला है, वो देखो रेड एंड येलो सिग्नल्स निकल चुके और ये हमारी मिसाइल ऊपर उठ चुकी है, देखते हैं कहाँ पे जाती है। मनसुख भाई को बड़ा मजा आ रहा है यार, आ रहे ये लोग ऐसा कुछ घुमा रहे हैं और ये चार लोगों को लटका रखा है नाना पाटेकर सर। वाह वाह, अभी तक कस्टमर नहीं है, मूवी देखते हैं कंटिन्यू। और ये विलन हमारा हंस रहा है और मिसाइल ऊपर उठ चुकी है, दो मिसाइल एक साथ निकल चुकी है। अब ये छोड़ता कब यार, जल्दी से छोड़ भाई, मिसाइल धीरे धीरे घूम रही है, बहुत ही धीरे धीरे घूम रही है। जैसे निकलती मैं कैमरा सेव करने वाला हूँ, 1 2 3 ये छूटने वाली है, इधर निकल। ओह माय गॉड, इस मूवी में एक अंग्रेज भी है, मतलब बजट वाली मूवी थी। यार कब से हंस रहा है, मिसाइल छोड़ ही नहीं रहा है, कभी नहीं छोड़ मिसाइल। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा। ये पॉसिबल नहीं है वैसे, और ये सुनने के बाद मेरा इस मूवी को बंद करने का फुल मूड हो रहा है, मैं बैठ के मूवी देखने वाला हूँ। ये कौन कौन सी जगह है, ये 15 अगस्त वाला सीन चल रहा है और न्यू दिल्ली में 15 अगस्त वाला सीन चल रहा है, यहाँ पर बैठे कौन है यार वहाँ पे। अपना विलन सारा दिन बस हंसता रहता है और उसको कुछ काम ही नहीं है। अपना तिरंगा नाना पाटेकर भैया, मतलब दिल्ली का लाल किला उठने वाला है। एक चार लोगों को लटका रखा है, क्या हो रहा है मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। सॉन्ग चल रहा है थोड़ी देर के लिए, सॉन्ग देखते हैं। लाल तिरंगा है, लाल तिरंगा है। फाइनली सॉन्ग खत्म हो चुका है और ये सर कुछ कर रहे हैं, विलन की हंसी रुक चुकी है, सर ने अपने मुंह में कुछ डाला, सिगार। अब इनको बोलेंगे कि जलाओ इस सिगार को, मेरे को ऐसा लग रहा है फेंक दिया। ओ सिगार के अंदर ही बम था। हीरो लोग कब से विलन की बात सुनने लग गए यार, मतलब हिलने के लिए मना बोला था फिर धीरे धीरे और जा चुके हैं। ये सही है यार, नाने पाटेकर भैया को खांसी नहीं आ रही है और विलन को खांसी आ रही है, विलन की आंखें लाल हो चुकी है। ये तो हमारे एक छोटे से वीडियो वाले पाइप का कमाल था, अगर कहीं धुएं से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक मत करो तो जलकर राख हो जाएगी ना स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। चले वन स्टार्ट। प्रलय वन, इस मिसाइल का नाम प्रलय वन है, सुनाई दे रहा है। मिसाइल लॉन्च होने वाले, 2 and 1। वाओ, मिसाइल धुआं छोड़ रही है पीछे से। सब लोग एक गॉस मूवी देख रहे हैं, ये सिर्फ धुआं ही छोड़ रही है मिसाइल यार, फायर हो बहन, मिसाइल नहीं छूटने वाली।
मिसाइल को हीरो लोगों ने खराब कर दिया था यार। तो ये चारों लोग देख रहे हैं क्या हुआ, और तीनों मिसाइल में से धुआं निकल रहा है, मिसाइल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये ऑपरेटर है, विलन मैन विलन, ऑपरेटर को शूट कर दिया। जो पाइप उसने फेंका था उसमें डायनामाइट था। मतलब ये जो हिला था ना उसने फ्यूज करने पे इसे निकाल दिया था। मतलब मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है क्या यार, देखो बिलीव नहीं हो रहा है। भाई साहब का नाम गूगल करना पड़ेगा, पहले वाली मूवी मैंने देख लेंगे। और ये नॉर्मली फाइट होने ही वाली है, विलन विलन को ही मार रहे हैं और विलन को गोली पड़ने वाली है। नाना पटेल का ड्रामा नहीं मारेगा, बंदूक फेंकी हाथ से मारेगी। और जो पॉलिटिशियन था वो भाग रहा है, पॉलिटिशियन भी आजकल विलन जैसे हो चुके हैं। वैसे राजस्थान में कल रिजल्ट आने वाला है विधानसभा का, पॉलिटिशियन को फर्स्ट गोली पड़ चुकी है, देखते हैं नेक्स्ट कितनी गोलियां पड़ने वाली है, सेकंड थर्ड। ये सही है, पॉलिटिशियन बेचारा अपना मर चुका है। मनसुख भैया काम कर रहे हैं, कस्टमर है, और मैं देख रहा हूँ मूवीज। अपना जो फ़ोन रेडी होने के लिए आया था वो उसके अंदर है, मतलब उसके अंदर जो पानी था ना, जो कस्टमर का फ़ोन था उसके अंदर पानी था, उस पानी का भी बाहर निकाल दिया। अपन मूवी देखते हैं यार। जो मैन विलन यही है, ये ब्लैक वाला नाना पाटेकर वेश को मार दिया। और ये कौन आ गया यार, ये विलन है, विलन आते ही मर गया यार। एक तो इतना लेट आया, इसके पापा पहले से पिटाई खा रहे थे, ये वाले इसके पापा, और ये इतना लेट आया। क्या हो गया भाई मैन विलन को, मैन विलन चिल्ला रहा है, वो चल चुका है, गिर गया है। मैन विलन के ऊपर मेरे को आग का ऐसा छोटा सा भी कुछ नहीं दिखा, तो वो जल के मर चुका है कुछ है। और अभी अपना सॉन्ग स्टार्ट होता है, सुनो सॉन्ग। और यही पे मूवी का डी एंड होता है। गाइस okay,